नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक जगत में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम व्हाई प्रॉपर्टी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं और ये सोचते हैं कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत होती है, मगर ऐसा नहीं है। अगर किसी ने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे कारण बताऊंगा जिस पर आपको विचार करना चाहिए और आज से ही रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, भले ही आपने पहले कभी रियल स्टेट में निवेश किया हो या नहीं। पहला, यू कैन लेवरेज योर इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा का वैल्यू दे सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उतने ही पैसे का शेयर्स मिलेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है, मगर दूसरी तरफ अगर आप रियल स्टेट में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो मात्र 20% देकर अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बाकी के पैसे लोन के द्वारा 5 से 30 साल तक चुका सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यू कैन अर्न रेगुलर कैश फ्लो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसे किराए पर लगाकर मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ बढ़ते समय के साथ आपके प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती रहेगी और किराए की रकम भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, यू मे फील फाइनेंशियली सिक्योर। जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो सुरक्षित महसूस करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसा कि 2020 ने दिखाया, यह पलक झपकते ही बदल सकता है। एक मिनट में आपके पास एक महत्वपूर्ण निवेश होता है और अगले मिनट आपने सब कुछ खो दिया है। जब आप रियल स्टेट में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास एक सराहनीय संपत्ति है। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको एक बड़े प्रॉपर्टी का मालिक बना सकता है। बहुत से लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उनको रिटायरमेंट वाली इनकम मिलती रहे। अगर आज आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया तो आपको रिटायरमेंट वाली इनकम शुरू हो जाती है। इसके अलावा, जब आप रिटायरमेंट वाली स्टेज तक पहुँचते हैं तो कुछ समय तक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी होती है, जिससे आप सेल करके एक बड़ी रकम ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यू विल गेट टैक्स बेनिफिट्स। जब आप एक घर के मालिक होते हैं और इसे किराए पर देते हैं तो यह आपका एक बिजनेस की तरह होता है। किसी भी व्यवसाय के स्वामी की तरह रियल स्टेट निवेशक कई टैक्स राइट ऑफ का लाभ उठा सकते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई लाने का एक शानदार तरीका है। आप हाई रिस्क वाले निवेशों के जोखिम की भरपाई कर सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार में निवेश किया गया पैसा। इसके अलावा, यदि आप किराए के घर में निवेश करते हैं तो आप कैश फ्लो का आनंद ले सकते हैं। रिटायरमेंट में आपको महत्वपूर्ण पूंजीगत लाभ मिल सकता है।